ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ए बी लाइन सैगमेंट है, लेंथ आपां नूं गिवन है ए बी लाइन सैगमेंट ही 3.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करन नूं कहा है आपां नूं पी क्यू लाइन सैगमेंट, जिदे आपां नूं लेंथ दसी हुई है कि ट्वाइस होनी चाहिए ए बी लाइन सैगमेंट तो वेरीफाई द मेजरमेंट। आपां मेजर करके भी देखना है। सोल्यूशन देखते हैं पहला। सब तो पहला आपां नूं क्या गिवन है, ए बी लाइन सैगमेंट की लेंथ कितनी गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपां नूं क्या होया पी क्यू लाइन सैगमेंट की जिहड़ी लेंथ होएगी और ट्वाइस होएगी ए बी लाइन सैगमेंट की। देख लैने कितनी बनेगी, 2 × 3.9 सेंटीमीटर। ये किहदे बराबर हुंदा है, 7.8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, हुण आपां लाइन सैगमेंट बनाने। सब तो पहला ए बी, ये मैं स्केल लै लिया एक, हुण आपां देखना है। सब तो पहला बनाना आपां ए बी लाइन सैगमेंट। ए बी लाइन सैगमेंट की आपां नूं लेंथ गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। और तो स्टार्ट कर दें, जिसे तो स्टार्ट करके पहुंच गए आप 3.9 यानी कि 4 तो थोड़ा जा कट आ गया। और ठीक है जी, ये आ गया अपने को ए बी लाइन सैगमेंट। ए बी लाइन सैगमेंट ऑफ 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हूँ आप बनाना है पी क्यू लाइन सैगमेंट। पी क्यू लाइन सैगमेंट मैं निचली साइड बना दनी हो रही, तुम्हें पता लग जाएगा। पी क्यू लाइन सैगमेंट की मेरे को लेंथ गिवन है 7.8 यानी कि ए बी लाइन सैगमेंट तो ट्वाइस होनी चाहिए, यानी कि डबल कर लिया सीगा आपां। वो बन जाएगी अपने को, तो स्टार्ट होया आपां 0 तो स्टार्ट होंदे 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 अपने को पहुंच गई 7.8 यानी कि 0.8 तक नहीं जाना, 0.8 थोड़ी जी उरे इधरली साइड आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गई अपने को पी क्यू लाइन सैगमेंट, पी क्यू जो कि अपने को लगी है 7.8 सेंटीमीटर दी। ये आ गया अपना आंसर। थैंक यू।